चर्चा होगी आज, जो कि आपने आज यहाँ पे प्रेस ब्रीफिंग रखी है, क्या मुद्दा और मकसद है आज? प्रेस मुद्दा का मुद्दा और मकसद खाली यही है कि जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सोपोर के साथ शेब खून किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? मेरे पास इसमें हकीकतन खाली दलील ही नहीं है, हकीकत भी है। हकीकत यह है, हाल ही में हमारे यो चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर का ऑर्डर निकला, ठीक है, गवर्नमेंट की मजबूरी है, ठीक है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ पहले एक बात, उसको सब रजिस्ट्रार का पोस्ट भी दिया गया, लेकिन मैं आपको बताते चलूँ फॉर गवर्नमेंट के लिए भी ये कि 2020 और 21 में हमें 219 करोड़ रुपया खाली थ्रू रजिस्ट्रेशन आ गई थ्रू जम्मू कश्मीर, और 2022 और 24 में हमें 544 करोड़ रुपीज आ गए। लिहाजा आपको लगेगा कि पहले प्रायोरिटी है रजिस्ट्रेशन का। मुझे बताइए कौन सा इंसाफ हो मुलाजिम कर सकेगा जिसको एडिशनल चार्ज हमारे म्युनिसिपल काउंसिल सोपोर का होगा। और ताजुब सितमगरी की ये बात है, जब भी हमारे देश के प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं वो स्वच्छ भारत की बात कर रहे हैं, जब भी हमारे डायनेमिक ऑफिसर जो एलजी साहब है स्वच्छ भारत की बात कर रहे हैं, या हमारे सन ऑफ द सॉइल जो हमारे चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर हैं दुलब साहब है स्वच्छ भारत की बात कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं सबसे, एक ही आवाज मेरी ये है कि जरा मुझे बताइए जिस अफसर के पास दो चार्ज होंगे वो क्या इंसाफ कर सकेगा? नहीं कर सकेगा म्युनिसिपल सोपोर का इंसाफ, क्योंकि तभी आपने देखा होगा लोगों को। मैं ये बताना चाहता हूं कि जरा मुझे बताइए कि कितना कितने पैसे पिछले चार सालों में म्युनिसिपल काउंसिल सोपोर के पैसे लैप्स हो गए, क्यों हो गए? वजह यही है क्योंकि अफसर पूरा टाइम दे ही नहीं सकता है। अफसर के पास 6 घंटे ड्यूटी देनी है और उसमें भी उसको 3 से 4 दिन मीटिंगें होती है, ऑनलाइन मीटिंगें होती है, बाकी तो कौन सा इंसाफ वो कर सकेगा एक दफ्तर के साथ? लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट होगी हर हमेशा जो हमारे डायनेमिक लीडर जो हमारे एलजी साहब है या हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब है सन ऑफ द सॉइल है, मेहरबानी करके हमें सोपोर म्युनिसिपल काउंसिल को एक सेपरेट ऑफिसर फुल टाइम जॉब वाला चाहिए, तब हमारा सोपोर म्युनिसिपल काउंसिल ठीक हो सकेगा। आज की डेट में सब लोग वाहवाही कर रहे हैं कि लाइटें जी लग गई सोपोर में, शुक्रगुजार है, तारीफ के काबिल है, लेकिन साथ ही साथ मैं इनको बताना ये चाहता हूं कि क्या हमारे पास सीडी नहीं थी? हमें हंदवारा से सीडी 4 लाख या 5 लाख रुपए की सीडी और वो हमें हंदवारा से मंगानी पड़ी तो तब हमारी लाइटें ठीक हो गई? क्या ये सोपोर के साथ शबी खून नहीं है? क्या ये सोपोर के साथ शबी खून नहीं है कि हमारे पास तीन जो आज तक हमारे वॉशिंग रूम बन गए तो एक भी लोगों के नाम वाकफ नहीं है? क्या ये शबी खून नहीं है? क्या ये शबी खून नहीं है कि लास्ट ईयर हमारी 2 बड़ी पार्कें इन्होंने बनाई, वो पार्कें कंप्लीट क्यों नहीं हो गई? उनको एक रिवर एज के पास पार्क है, क्या वो कंप्लीट हो गई? नहीं हो गई। दूसरी हमारे यहाँ बाईपास ब्रिज पर है, क्या वो कंप्लीट हो गई? नहीं हो गई। कब तक लोग सोपोर के लोग दर बदर ठोकरे खाएंगे? आज हमें मौजूदा हुकूमत पर एक भरोसा है, एक यकीन है, लेकिन मुझे ये नहीं पता चलता है कि ऑन द डाउन स्ट्रीम लाइन जब हमारे जम्मू कश्मीर के एलजी साहब कोई डायरेक्शन देते हैं तो फिर ग्राउंड जीरो पे वो इम्प्लीमेंट नहीं होती है? क्या ये सितमगरी की बात नहीं है? क्या ये लम्बे फिक्र नहीं है मौजूदा हुकूमत को? मैं यही बार बार, जावेद की आवाज़ तो यही होती है, जावेद की आवाज़ है कि मेरा सोपोर जो प्यारा सा शहर टाउन है 110 लाख लोग यहाँ पे, ये कैसा प्यारा सा शहर बने, दिन ब दिन हम अब तो यहाँ पे कोई हड़ताल नहीं होता है, कोई पत्थरबाज यहाँ पे नहीं है, लोग दिन ब दिन गवर्नमेंट के नज़दीक आना चाहते हैं, लेकिन अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि पता नहीं हमें गवर्नमेंट के नज़दीक आने क्यों नहीं देते हैं। क्या फिर ये सितमगरी की बात ये नहीं है कि सोपोर में जो ब्रिज महाराजपुरा ब्रिज आज से 8 साल 10 साल से चल रहा है आज तक भी कंप्लीट नहीं हो रहा? क्या हमारे ऑनरेबल एलजी को इसकी फिक्र नहीं है? अगर किसी अफसर ने, किसी मौजूदा हुकूमत ने नाम लेकवा में, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस या किसी और भी हुकूमत ने गलतियां की है, सोपोर के लोग क्यों भुगतेंगे उस पर? सोपोर के लोग चाहते हैं कि जितने भी ऑनगोइंग काम यहां पे रुके हुए हैं उन पे काम लगाओ। आप देखो सोपोर के लोग कैसे दिन ब दिन गवर्नमेंट के नजदीक आएंगे। ये कोई बड़ा मसला नहीं है, 30 से 40 करोड़ रुपया का खाली मसला है सोपोर का। अगर एक ही टाइम ये पैसा देंगे दोनों ब्रिजों के काम हो जाएगा, चाहे वो महाराजपुरा ब्रिज है या मंडी ब्रिज है। हम तो यहां से रोज बोलते हैं एशिया सेकंड लार्जेस्ट फ्रूट मंडी इज इन सोपोर, क्या देते इतना हम यहां से देते, जरा मुझे बताइए वापसी में हमें क्या मिलता है? स्पोर्ट्स के नाम पर क्या हमें मिला है आज तक?
सुभान स्टेडियम में और जो हमारा कॉलेज हायर सेकेंडरी ग्राउंड है वहां पे इन्होंने इंडोर स्टेडियम बनाया। आज से 10 साल से हम दर बदर की ठोकरे खा रहे, 3 करोड़ का प्रोजेक्ट है वो आज तक कंप्लीट नहीं हो रहा है। मुझे बताइए ना कहाँ जाएंगे, मैं पूछना चाहता हूँ मौजूदा हुकूमत को कहाँ जाएंगे हम। मैं मुझे बताओ यहाँ पे मैरिज हॉल है, मुझे बताओ क्यों नहीं। मैरिज हॉल तो आज की डेट में ड्रग्स का सेंटर बन गया है। शुक्रगुजार हूँ मैं मौजूदा पुलिस को जिन्होंने उन पे अब थोड़ा थोड़ी सख्ती की है, तो आज की डेट में हमारे सोपोर में ड्रग्स की रेट दिन में दिन कम होती जा रही है। उसके लिए हम मौजूदा हुकूमत और जो हमारा सोपोर का SSP है या डाउन द टीम उसकी जो टीम है उनके हम मुबारकबाद के हकदार है वो। लेकिन कब तक वो करेंगे, जब जो भी बिल्डिंग आपको खाली रहेगी वहां पे माफिया दिन ब दिन पल पेगा। लिहाजा मेरी मौजूदा हुकूमत से होगी रिक्वेस्ट होगी, हैंड फोल्ड ही मेरी रिक्वेस्ट होगी लास्ट पे सारी गवर्नमेंट को, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या हमारी स्टेट गवर्नमेंट हो या हमारे ब्यूरोक्रेट्स हो, सबसे अगर आप हकीकतन चाहते हो कि सोपोर का अमन, सोपोर का शहर अमन का शहर बने, सोपोर के लोगों की तरफ आ जाओ। सोपोर के लोगों ने आज के दिल में अपने दिल के दरवाजे खोल के रखे हैं। मेहरबानी करके अगर आपको उनके उनके दिल के दरवाजों में आपको अंदर घुस के जाना है और मोहब्बत वहां पे डालना है। सोपोर के लोग पक्के हिंदुस्तानी है, सोपोर के लोग देश के साथ है, लेकिन जरा हमें खुदा रहा बताओ कि हमें हमारे साथ किम सोतीली माँ का श्लोक। आज मैं जावेद अगर चिल्लाता किस बात पे, जावेद तो जावेद भी एक इंसान है, जावेद एक छोटा मोटा इंडस्ट्रियलिस्ट है क्या। मुझे बताओ शबी खून इंडस्ट्री के नाम पे इन्होंने नहीं किया, टुलवल में इन्होंने 75 लोगों को पैसे पकड़े और पैसे दे के उन्होंने, वो यूथ जाएगा कहां, जरा मुझे बताए ना कहां जाएगा वो यूथ। और फिर कल की डेट में स्टे आ गया, क्या स्टे आता है, क्यों आ गया स्टे, मुझे बताओ ना खुदा रहा उन ग्रेजुएटों ने, उन छोटे लड़कों ने कौन सा खता किया जिन्होंने अपने घर का जेवर भेजा, बैंकों से पैसा लाया और सीकाफ को 3 करोड़ रुपया भर दिया। क्या उस वक्त उनको ये नहीं पता था कि हमें कौन से नार्ज में रखने हैं। और जब भी हम खुश होते हैं, जब हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इंडस्ट्रीज की मीटिंग बुलाता है क्योंकि वो उसमें चेयरमैन होते हैं, फिर खुश होते हैं जब वो नाम हमें देता है कि आज ये हमने फलानी फलानी जगह एस्टेट न्यू न्यू एस्टेट डेवलप किए। लेकिन मुझे खुदारा जरा बताइए सोपोर का जो एस्टेट आपने 2 साल पहले किया, क्या कहीं अकाउंटेबिलिटी है, जरा मुझे बताइए ना कोर्ट में क्या उस केस का हुआ, क्या कहीं नेगोशिएशन हो गई, क्या कहीं डिसीजन हो गया, मुझे बताओ। 1 साल हो गए लोगों को इंतजार करते करते। लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट होगी हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज से भी, मेहरबानी करके आप उस पर तवज्जो दीजिए, आप डायरेक्ट कीजिए अपने जो सिडको के MD साहब है, मेहरबानी करके आप आइए उसको डे टू डे बेसिस पर आप उसकी देखिए कि उसकी नवियत कहाँ पे, और कोर्ट से स्टे वकेट करके वो लोगों को हक मिलेगा वो ठीक है। जावेद साहब क्या वजह है कि बार बार सोपोर की आवाम के साथ नाइंसाफी की जाए, और दूसरी बात ये पैसे जो आते हैं फंड्स जो वागजार करती है सरकार आवाम के लिए आवाम की खातिर के लिए, क्या वजह है कि सोपोर में ही ये पैसे लैप्स हो जाते हैं। मेरी रिक्वेस्ट होगी जो फाइनेंस कमिश्नर है हमारे जम्मू कश्मीर के फाइनेंस कमिश्नर है, जरा उस अफसर से आप पूछिए जिस अफसर को आपने पैसे दे दिए फिर वो पैसे लैप्स हो गए, क्यों हो गए। एक बार जरा ना किसी अफसर पे जिसने जानबूझ के कोई गलती की होगी उसका तनख्वाह बंद हो जाएगा ना, उसको पता चलेगा फिर कैसे लोगों का पैसा जिन बेचारों ने काम किया होता है उनकी बिले जब लैप्स होती है, मुझे बताइए ना। तभी मैं चाहता हूं जो भी ऑर्डर गवर्नमेंट निकालता है सेक्रेट के सेक्रेट में ऑन द ग्राउंड वो इंप्लीमेंट नहीं होता है, तभी जो बाकी सियासतदान आज की डेट में है तभी मौका मिलता है उनको बात करने का वो एक बार, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मैं चाहता हूं कि जो हमारे ऑनरेबल LG है और जो हमारे लास्ट में फिर मैं बताऊंगा हमारे LG साहब ईमानदार है, हमारे सन ऑफ द सॉइल जो हमारे डुलुप साहब है चीफ सेक्रेटरी साहब है, मेहरबानी करके डाउन द जो आपके डाउन अफसर हजरात है उनसे आप अकाउंट भी लीजिए। आप तो रोज बोलते हैं हमारे पास अकाउंटेबिलिटी है, लेकिन हमें तो लोगों को तो लगे जरा सोपोर के लोगों को यह पता चले कि अकाउंटेबिलिटी क्या होती है। जिस जो भी कोई अफसर होगा जिस दफ्तर में भी कोई अफसर होगा आज की डेट में, आज मार्च चल रहा है, अगर किसी भी अफसर ने बिले लैपस कर दी या किसी कंट्रैक्टर को जिसने जायज अपना काम किया होगा फिर उसको पैसा नहीं मिलेगा, उस अफसर से आप पूछिए उसके तनख्वाह से वो पैसा काट के उस ठेकेदार को देंगे, हमें लगेगा कि हमारी बात कोई सुन रहा है। लास्ट पे बस मेरा यही पैगाम होगा सबको कि ये माह रमजान का बाबरक महीना चल रहा है, आज इंशाल्लाह रहमान हमारे 16 दिन कंप्लीट हो गए,
तो अठारह दिन कंप्लीट हो गए। उसकी भी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ सारे अपने देश के लोगों को, जितने भी हमारे मुसलमान भाई हैं उनको सबको मैं यही पैगाम देता हूँ। जल साहब से आखिरी सवाल हम पूछने की कोशिश करेंगे कि ये जो इंडस्ट्री की अगर हम बात करेंगे, इंडस्ट्री के हवाले से हमारे नाज़रीन को आगाह कर दीजिए। अक्सर बेशतर हमने इस साल देखा है कि कुछ विजिटर्स आए थे यहाँ पे, अगर हम स्टूडेंट्स की बात करेंगे वो आए थे, उस हवाले से आपका क्या कहना है, क्या पैगाम देना चाहोगे? बिल्कुल बेहतरीन सा सवाल आपने मेरे छोटे भाई आपने पूछा। इंडस्ट्रीज के हवाले से मैं डायरेक्टर जो हमारे स्कूल के हैं कश्मीर और जितने भी सीओ हजरात हैं, मैं उनको ये पैगाम एक देना चाहता हूँ कि हकीकतन मैं सबको हर हमेशा हर किसी माँ बाप को ये बोलता हूँ कि पहले अपने बच्चों को पढ़ाओ, चाहे वो मेरा हिंदू भाई हो, सिख भाई हो, मुसलमान भाई हो, ईसाई भाई हो, ये सारे पढ़ने चाहिए। इसके बाद मुझे ये भी पता है कि आज हमारे पास नौकरियां नहीं है, अगर नौकरियां कोई दे सकेगा तो वो खाली हमारा इंडस्ट्री दे सकेगी। तो लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट होगी सारे सीईओ हजरातों से कि एक दिन पहले खाली हर किसी प्रेसिडेंट हजरात को, मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट बारामूला की बात करूंगा, आप सोपोर एस्टेट की बात मैं करूंगा क्योंकि यहां का मैं प्रेसिडेंट भी हूं, मैं आपको बताऊंगा कि आज की डेट में हम 400 लोगों को यहां पे रोजगार देते और मेरे करीबन 36 यूनिट बेहतरीन से बेहतरीन चलते। जब भी उनको मेरे इंडस्ट्रियल एस्टेट की विजिट करने की ये होगा, वो मुझे एक दिन पहले खाली चिट्ठी लिखे, क्योंकि मैं इतना बताऊंगा अचानक जब ये आते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में मोटर होते हैं, इंडस्ट्री में पावर होता है, खुदा ना खासा अगर किसी बच्चे को कभी कुछ होगा तो फिर हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं होंगे। हमारे जो जम्मू कश्मीर के बच्चे, ये हमारे बच्चे हैं, जितने भी मेरे डिस्ट्रिक्ट बारामूला के बच्चे इंडस्ट्रियल विजिट करना चाहते, चाहे वो दबगांव हो, चाहे वो सोपोर हो, चाहे वो कपारा हो, चाहे वो नॉर्थ कश्मीर में कोई भी हो, चाहे बारामूला हो, चाहे माजबुक हो, जहां पर भी हमारे एस्टेट्स यहां पे है, वहां पे जितने भी मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे, क्योंकि दे आर आवर फ्यूचर्स, कांट डिनाई देम, दे आर ऑलवेज अवेलेबल, जब भी इतवार के बगैर, जब भी उनको मेरे बच्चों को इंडस्ट्रियल विजिट करना होगा, हमारे दिल के दरवाजे, हमारे फैक्ट्री के दरवाजे, एंड वी विल ट्राई टू फैसिलिटेट देम ऑल्सो, ये वादा रहा। जिस दिन वो सोपोर एस्टेट आया करेंगे, मैं उनके लिए आगाह कर दीजिए कि इंडस्ट्री में क्या क्या है। हाँ, ओवरऑल सोपोर की इंडस्ट्री में बात करूंगा, सोपोर की इंडस्ट्री में आपके पास इस वक्त दो बड़े सोप के कारखाने हैं, हमारे पास यहाँ पे रेडीमेड गारमेंट, जहाँ पे मेरी बच्चियाँ काम करती है, करीबन 70-80 बच्चियाँ मेरी वहाँ पे काम करती है। मेरे पास सोपोर में बैट इंडस्ट्री है, मेरे पास यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्रीज ऑफ द नॉर्थ कश्मीर, मैं इतना वसूख से बताऊंगा, जो मेरे पास इसका फर्नीचर इंडस्ट्री यहाँ पे है। फर्नीचर इंडस्ट्री में मैं आपको वसूख से बताऊंगा, 250 से ज्यादा बंदे मुझे फर्नीचर इंडस्ट्री में, मैं शुक्रगुजार हूं मैं अपने सारे फर्नीचर इंडस्ट्रीज का, जो भी यहां पे इंडस्ट्री चलाता है फर्नीचर, उनका शुक्रगुजार हूं मैं। एक क्वालिटी वो बनाते हैं और वक्त पे अपना माल देते हैं, और हमारे पास स्टील इंडस्ट्रीज, यहां पर हैवी फैब्रिकेशन की इंडस्ट्रीज हमारे पास है, नॉर्थ कश्मीर की सबसे बड़ी आइस फैक्ट्री, अल्लाह ताला जन्नत अता करे गुलाम नबी खान साहब को, उसकी वो फैक्ट्री है, आइस फैक्ट्री हमारे पास नॉर्थ कश्मीर की सबसे बड़ी फैक्ट्री। तभी तो मैं बोलता हूँ कि 400 लोगों को हम यहाँ पे रोजगार देते, तभी तो मैं गवर्नमेंट से हर हमेशा बोलता हूँ कि वी नीड इलेक्ट्रिसिटी 24/7। लेकिन शुक्रगुजार हूँ मैं मौजूदा हुकूमत का कि आज की डेट में हमें दिन में पावर पूरा मिलता है, मैं शुक्रगुजार हूँ ऐसी सोपोर का और इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का, सारा उसकी टीम का, दिन में हमें आज बिल्कुल अच्छी बिजली मिलती है, उनके लिए वो मुबारकबाद की हकदार है। आखिर में मेरा सवाल ये रहेगा कि अगर हम देखें सोपोर डिवाइडर्स की अगर हम बात करें, आपको लगता है कि इकबाल मार्केट में जो बड़े बड़े बोल्डर्स लगाए गए हैं, क्या वो ठीक रखे गए हैं? बिल्कुल वो गलत है। सोपोर एक प्यारा सा शहर है, तभी मैं बोलता हूँ, देखो हम किसी के ना खिलाफ है, ये हर हमेशा ये बोलते हैं। आपने बहुत बेहतरीन सवाल किया, जिस दिन ये डिसीजन ले लिया गया, लोगों को सबको पता है कि ये जावेद ने करवाया। खुदा को हाजिर नाजिर जानकर मैं बोलता हूँ, आज देखो माँ बरकत मीना चल रहा है, खुदा को हाजिर नाजिर जानता हूँ मैं, बाय द वे वहाँ पे गया था, आई वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द मीटिंग, इट वाज ये गवर्नमेंट का एक डिसीजन था। लेकिन हाँ, जैसे कि आपने पत्थरों के हवाले ये सवाल किया, हकीकतन पत्थर नहीं होने चाहिए, हकीकतन जैसे श्रीनगर में है, हम किसी के खिलाफ नहीं है। देखो गवर्नमेंट को देखना मेरा मुहिम कैसे चलेगा, मेरा एक ही मकसद है, मैं बार बार ये बोलता हूँ, मेरा एक ही मकसद है कि मेरे बच्चे जो स्कूल में, मेरा फ्यूचर जो स्कूल में पढ़ता है, वो टाइम पे पहुँचना चाहिए। मैं हर हमेशा ये बात बोलता हूँ, आप देखिए मेरे फ्यूचर जो मेरे अपर केजी से लेके 6th 7th 8th 9th 10th जो बच्चा होगा, अगर वो असेंबली नहीं अटेंड करेगा, ज़रा मुझे बताओ ये ठीक है?
अगर वो शाम के घर में अपनी 4 बजे की चाय, कश्मीरी चाय नहीं पिएगा, ये क्या ठीक बात है? आप पूछिए, आप सब, फिर आप जर्नलिस्ट हो, आपके आपके भी बच्चे, आप मुझे खुदा रहा बताइए कि अगर निज़ाम ट्रैफिक का अच्छा नहीं चलेगा, मुझे आप बताइए क्या 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 आपके बच्चे स्कूल पे पूछेंगे? पूरा नहीं पूछेंगे। आप उन बच्चों से आप पूछिए कि आप असेंबली आज सवेरे करते हो कि नहीं करते हो। लिहाजा मेरी स्ट्रीमलाइन तो हो गया, हाँ स्ट्रीमलाइन हो गया। अब वहाँ पे वो पत्थर हटने चाहिए, वहाँ पे पत्थर हटने चाहिए, वहाँ पे बाज़ाबता जैसे बाकी जगह श्रीनगर में, बारामूला में जैसे वो लगे, तो हम बारामूला और सोपोर एक ही डिस्ट्रिक्ट है। डीसी साहब से मैं इल्तिजा करूँगा, मैं बार बार भी मैंने डीसी साहब से पीछे भी बोला था एक मीटिंग में, मेहरबानी करके प्लीज़ हैव ए पब्लिक दरबार इन सोपोर ऑल्सो, सो दैट यू विल कम टू नो वट इज़ वट। लोग सोपोर के लोग आपको क्या बोलना चाहते हैं? बिजली के हवाले से बिजली का निज़ाम कैसा है सोपोर के? बिल्कुल बिजली का निज़ाम मेरे ख्याल से पिछले 2 दिन से थोड़ा ठीक हुआ, लेकिन जो कमिटमेंट इनकी हमारे पास थी कि शहरी और इफ्तारी की, वो ये कमिटमेंट पर नहीं होते उतरे। लिहाजा तभी मैं एक बार फिर लास्ट पे, जो आपने बिजली की बात की, यहाँ पे आपके प्रेसिडेंट साहब भी आए हैं, ये भी जरा सुने कि मैं बिजली की बात ये करता हूँ, जैसे कि हमारा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र जी मोदी हर हमेशा बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर मेरी शान है, क्या मेरा हक उससे ये पूछने का नहीं है कि अगर आप देश के बाकी मुल्कों में 24/7 बिजली होती, मेरे जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं? अगर आप हकीकतन कुछ यहां पे देना चाहते हो, हमें वो पावर प्रोजेक्ट के लिए आप पैसा देना दे दो मेहरबानी करके, जो पावर हमें यहां पे जब प्रोजेक्ट बनेंगे, पहले जम्मू कश्मीर के लोगों को उस पावर पे हक होना चाहिए, उसके बाद अगर पावर कुछ हमें बच जाए तब हमें हक होना चाहिए बेचने का। लिहाजा यही बार बार हम बोलते हैं कि सारे यहां पे आते हैं, चाहे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब आए, चाहे हमारे देश के अमित शाह साहब आए, चाहे जितने भी हमारे सेंटर के मिनिस्टर आए, वो तो हमारे सामने से बोलते हैं कि हमारे लिए दिल के दरवाजे आपके खोल के लिए, पैसों की बरसात हम करेंगे, लेकिन हमें ऑन ग्राउंड कुछ नहीं लगा। जावेद साहब के साथ एक और आखिरी सवाल आपसे रहेगा, सियासी निज़ाम अभी